झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम ICSE सिलेबस में जो पाठ्य पुस्तक है साहित्य सागर, उससे डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता की व्याख्या और प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है चलना हमारा काम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके शब्दार्थ, इसकी व्याख्या और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। पहला छंद देखते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मैं मंजिल पा सकूं, तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय दूं, क्या राह में परिचय दूं, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। तो ये पहला छंद है और इसमें हम देखते हैं कुछ कठिन शब्द, जैसे प्रबल शब्द आया है। प्रबल यानी जिसमें ताकत हो, बलशाली, और दर यानी दरवाजा, फिर मंजिल यानी लक्ष्य, विराम यानी विश्राम, बटना यानी कम हो जाना, और राही यानी राह में चलने वाली। अब इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं, भावार्थ जानते हैं। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन के बारे में पहले थोड़ा सा परिचयात्मक अगर हम जानकारी ग्रहण कर लें तो हमको कविता समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। डॉक्टर सुमन जो है वो प्रगतिशील विचारधारा वाले कवि के रूप में उनकी प्रतिष्ठा साहित्य में है और उन्होंने पुरानी रीतियों, परंपराओं, अंधविश्वासों, रूढ़ियों के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की और निरंतर विकास के लिए, प्रगति के लिए उन्होंने उत्प्रेरण भाव वाले गीतों की, कविताओं की रचना की है। उसी भाव से भरा हुआ एक गीत हमारे सामने, इसमें कवि कहते हैं, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब मेरे पैरों में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, तो मैं इस ताकत का इस्तेमाल क्यों ना करूं, दरवाजे पर ही क्यों खड़ा रहूं, आगे क्यों ना बढ़ूं, यहां से निकलूं क्यों नहीं, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब मेरे सामने इतना लंबा चौड़ा जीवन रूपी रास्ता खड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है, तो मैं ठहर कैसे जाऊं, मैं इस पर चलना चाहता हूं, दूर तक जाना चाहता हूं, लंबी यात्रा करना चाहता हूं, उस लंबी यात्रा के अनुभवों को ग्रहण करना चाहता हूं। कवि कहते हैं, जब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। और जब तक मैं अपने जीवन में जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो टारगेट फिक्स किए हैं, जब तक उन्हें पा नहीं लूंगा, तब तक मैं विश्राम करने वाला नहीं हूं, रुकूंगा नहीं, ठहरूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, क्योंकि हमारा तो काम ही चलना है। जीवन निरंतर चलता है, निरंतर आगे बढ़ता है, हर दिन वो आगे निकल जाता है पिछले वाले दिन की तुलना में। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अब जब जीवन के रास्ते पर चल रहे हैं तो राहगीर मुसाफिरों को रास्ता आसान बनाने के लिए अपने कुछ साथी बनाना पड़ते हैं, राह में मिलने वाले लोगों के साथ बातचीत करना पड़ती है, और उससे वो बातचीत करते हैं, अपनी बातें कहते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, और ऐसा करने से जो रास्ते की लंबाई है, जो रास्ते की थकान है, वो महसूस नहीं होती। कवि जीवन को भी एक रास्ता मानता है और कहता है कि इसमें भी हमने जीवन में बहुत सारे दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, इन सबके साथ मिलजुल करके हम अपने जीवन को जीते हैं, उनसे कुछ कहते हैं, उनका कुछ सुनते हैं। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, अब
कवि कहता है कि जीवन के इसी रास्ते पर अपनी प्रेसी से कहता है, प्रेमिका से कहता है कि ये बहुत ही अच्छा हुआ कि इसी रास्ते पर तुम भी मुझे मिल गई हो और इससे मेरा रास्ता और भी आसान हो गया। क्या राह मैं परिचय दूं, राही हमारा नाम है। आप जो जीवन का रास्ता है इसमें मैं अपना परिचय अभी देने के काबिल अपने को नहीं समझता कि मैंने अभी कुछ जो है वो उपलब्धियां मेरी नहीं है, अभी मैंने कुछ अचीव नहीं किया है, तो इसलिए इतना ही समझ लो कि मैं राही हूँ, रास्ते पे चलने वाला एक राहगीर हूँ, एक मुसाफिर हूँ, पथिक हूँ। इससे ज्यादा अभी मैं अपने बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने अभी कुछ पाया ही नहीं। अभी तो जीवन में मुझे बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करनी है, चलना हमारा काम है, कवि कहते हैं, लेकिन निरंतर चलते रहना, बढ़ते रहना ये हमारा असली उद्देश्य है। अब हम देखते हैं इस पर आधारित प्रश्नों को। प्रश्न पहला है, कवि द्वार पर ही खड़ा क्यों नहीं रहना चाहता? तो उत्तर है, कवि अपने द्वार पर ही इसलिए खड़ा नहीं रहना चाहता क्योंकि वे कहते हैं कि जब मेरे पैरों में ताकत है, शक्ति है, गति भरी हुई है, तो फिर मैं खड़ा क्यों रहूं, स्थिर क्यों रहूं, मैं तो आगे बढ़ूंगा, आगे चलूंगा। दूसरा प्रश्न है, कवि कब तक विश्राम नहीं करना चाहता? उत्तर है, कवि तब तक विश्राम नहीं करना चाहता जब तक कि वह अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल न कर ले। तीसरा प्रश्न है, आपस में कहने सुनने से क्या होता है? उत्तर है, आपस में कहने सुनने से, बातचीत करने से मन का बोझ हट जाता है। प्रश्न चौथा, कवि का कुछ रास्ता किस तरह कटा? उत्तर है, कवि का रास्ता एक संगिनी के मिल जाने से बहुत आनंदमय तरीके से कटा। प्रश्न पांचवा, कवि अपना परिचय क्या देता है? उत्तर है, कवि ने अपना परिचय केवल राह पर चलने वाले एक राही के तौर पर ही दिया है। और अब दूसरा छंद, जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ में क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इसके शब्दार्थ देखिए, पहले अपूर्ण यानी अधूरा, मति यानी बुद्धि, और याम यानी प्रहर, दिनों की गिनती के जो पुराने तरीके थे हमारे अपने भारतीय पद्धति के, उसमें 3 घंटे का एक प्रहर माना जाता है जिसको हम पहर कहते हैं। दोपहर शब्द जो है हम लोग बार बार यूज करते हैं, तो ये दोपहर क्या है, जब सुबह 6 से 9, 9 से 12, दोपहर, तो दोपहर का समय हो गया, यानी 2 प्रहर दिन के गुजर गए और 2 प्रहर बचे हैं और 4 प्रहर रात के, तो 8 प्रहर होते हैं 24 घंटे में, 3 घंटे का एक प्रहर माना जाता है। तो यहां पर प्रहर यानी तो याम यानी पहर, प्रहर। विशद यानी विशाल, विधाता यानी ईश्वर, और वाम यानी नाराज। तो अब इसके पहले हम व्याख्या करते हैं, जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी। शिवमंगल से सुमन जी कहते हैं कि किसी का भी जीवन कभी परिपूर्ण नहीं होता, उसमें सदैव अपूर्णता बनी रहती है, और अपूर्णता बनी रहना ही बिल्कुल उचित कदम होता है, बात होती है, क्योंकि उसमें अपूर्णता होगी तभी हम उसे पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हमारा जीवन पूर्ण हो गया, उसी दिन हमारी आगे की यात्रा समाप्त हो जाएगी, खोज खत्म हो जाएगी, अन्वेषण रुक जाएगा, अनुसंधान बंद हो जाएंगे, और
सारी दुनिया ठहर जाएगी। तो कवि कहता है, जीवन अपूर्ण लिए हुए कभी पाता कभी खोता कभी। ये जीवन मेरा अपूर्णता से भरा हुआ है, इसमें कभी कुछ मैं प्राप्त कर लेता हूं और कुछ जो मेरे पास है वो मुझसे खो जाता है। ये सबके साथ होता है, सबके जीवन में होता है कि हम जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त भी करते हैं और बहुत सारा जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा खोते भी हैं, गंवाते भी हैं। आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी। और वे कहते हैं, जब जीवन के रास्ते पर हम चल पड़े हैं तो इसमें कभी हमारे साथ उम्मीदें भी मिलती हैं, हमको आशाएं मिलती हैं, और कभी निराश भी होना पड़ता है। हम असफल भी होते हैं, सफल भी होते हैं, हम कहीं कमजोर भी साबित होते हैं, कहीं ताकतवर भी साबित होते हैं। तो हमारे जीवन में कभी हंसी आती है, कभी हमारे आंसू आते हैं, हम हंसते रोते आशाओं निराशाओं सफलताओं असफलताओं के बीच में से आगे बढ़ते हैं। गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। कवि कहता है, बावजूद इसके कि हम अपूर्ण हों, हमें जो है वो पाना और खोना पड़े, हमें आशा और निराशाएं मिलें, तब भी हमारी गति और मति दोनों ही कभी अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, उनमें बाधा नहीं आनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। गति यानी चाल रफ्तार और मति यानी बुद्धि, दोनों चीजें गति और मति दोनों ही अपने काम में अपने लक्ष्य में जुटी रहे। इसका ध्यान मुझे आठों याम यानी आठों प्रहर दिन रात 24 घंटे है, क्योंकि चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, कि संसार एक बहुत विशाल नदी के समान है, समुद्र के समान है। कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको इस समुद्र संसार रूपी समुद्र में बहना ना पड़ा हो। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, और हम अकेले नहीं हैं जो सुख और दुखों में पड़े हुए हैं, सुख और दुख सह रहे हैं, तकलीफों के बीच में से जिंदगी जी रहे हैं। हर आदमी हर व्यक्ति ऐसे ही दुख और सुख के बीच में से अपना जीवन आगे ले जाता है। तो सबके पास वही सुख है, सबके पास वही दुख है, हम कोई अजूबा नहीं है, हम कोई अनोखे नहीं है। फिर व्यर्थ में क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि जब सब लोगों के ऊपर दुख और संकट तकलीफ आती है, मुझ पर भी आई है, तो मैं इस बात के लिए कि ईश्वर को दोष क्यों दूं, कि क्या बताएं, वो ईश्वर की मर्जी ही है कि हमको तकलीफ मिलती रहे, कष्ट होता रहे, कभी हमको सुख ना मिले। विधाता ने ही ये व्यवस्था कर रखी है, भाग्य ही हमारा खोटा है, किस्मत ही हमारी खराब है। तो कभी इसके खिलाफ कहता, नहीं, मैं इसका दोष किसी ईश्वर को नहीं दूंगा, भाग्यवाद को नहीं दूंगा, मैं तो अपना काम करूंगा, आगे बढ़ूंगा, और उसमें तकलीफें भी आएंगी, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, उसे मैं समान रूप से सहूंगा। अब इस पर आधारित हम प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन में क्या क्या होता है। उत्तर है कि जीवन में कभी कुछ प्राप्त होता है तो कभी कुछ खो भी जाता है। प्रश्न दूसरा, आशा निराशा में मनुष्य क्या करता है। उत्तर है, आशा और निराशाओं के बीच में मनुष्य कभी हंसता है कभी रोता है, खुश होता है जब उसे कुछ मिलता है, रोता है जब वो कहीं असफल होता है। तीसरा प्रश्न है, एक राही को हर समय क्या ध्यान रखना चाहिए। उत्तर है, एक राही को सदैव यही ध्यान रखना चाहिए कि उसकी चाल और उसका विवेक कभी भी रुके नहीं, ठहरे नहीं, अवरुद्ध ना हो। चौथा प्रश्न है, संसार में सभी को क्या सहना पड़ता है। उत्तर है, संसार में सभी को सुख दुख दोनों ही सहने पड़ते हैं। और पांचवा प्रश्न है, कवि ईश्वर पर क्या दोष नहीं लगाना चाहता। उत्तर है, कवि ईश्वर पर यह दोषारोपण नहीं करना चाहता कि मेरी असफलताओं के लिए, मेरे दुखों के लिए, मेरी कमियों के लिए ईश्वर जिम्मेदार है।
और अब तीसरा और आखिरी पद, मैं पूर्णता की खोज में दरदर भटकता ही रहा, मैं पूर्णता की खोज में दरदर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। साथ में चलते रहे कुछ बीच भी से फिर गए, जो गिर गए सो गिर गए, रहे हरदम उसी की सफलता अविराम है, चलना हमारा काम है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, पूर्णता मतलब परिपूर्णता संपूर्णता, पग यानी कदम, रोड़ा यानी बाधा, अविराम यानी निश्चित। अब इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहता है कि मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता रहा। जीवन में पूर्णता कैसे आए, अधूरापन कैसे दूर हो, कमियां कैसे अलग हो, इसकी खोज में मैं दरवाजे दरवाजे भटकता रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ अटकता रहा, और जब मैं कदम आगे बढ़ाता रहा तो कोई ना कोई बाधाएं मेरे सामने आती रही, मेरा रास्ता रोकती रही। निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। पर कवि कहता है कि मैं आने वाली बाधाओं से, आने वाले रोड़ों से घबराकर मैं निराश हो जाऊं, नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि जीवन तो इसी का नाम है, जिसमें बाधाएं आएंगी, विपदाएं आएंगी, कष्ट आएंगे, तकलीफ आएंगे। फूलों का जीवन सबको हासिल नहीं होता, और कांटों के साथ भी निभाए करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, और इसलिए जीवन इसी का नाम है। कवि कहता है, साथ में चलते रहे कुछ बीच ही में फिर गए। मेरे इस जीवन की यात्रा में बहुत से लोग मेरे साथ साथ चले, पर कुछ रास्ते में ही लौट गए। वो उतने आगे कदम बढ़ाकर साथ नहीं चल पाए, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। कवि कहता, लेकिन मैंने अपने जीवन की रफ्तार को जरा भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। जो साथी रास्ते में गिर गया, छूट गया तो छूट गया, मैंने उसके लिए अपना रास्ता नहीं छोड़ा। रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है। जो रास्ते पर लगातार चलता रहेगा उसी की सफलता सुनिश्चित है। जो रास्ते पे चलेगा, बैठ जाएगा, थक जाएगा, निराश हो जाएगा, लौट आएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर मुड़ जाएगा, ऐसे व्यक्ति को उसका लक्ष्य, उसकी मंजिल नहीं मिल सकती। अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न पहला है, कवि किसकी खोज में भटकता रहा? उत्तर, कवि जीवन की परिपूर्णता की खोज में भटकता रहा। दूसरा है, इस खोज के दौरान क्या होता रहा? उत्तर, इस खोज के दौरान कदम कदम पर तरह तरह की बाधाएं आती रहीं। तीसरा प्रश्न है, कवि निराश क्यों नहीं होता? उत्तर है, क्योंकि उसकी मान्यता है कि जीवन में तो बाधाएं आती रहती हैं, उनसे जूझना पड़ता है और उन्हें पराजित करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। चौथा प्रश्न है, कवि के साथियों का क्या हाल रहा? उत्तर है, कवि के साथियों में से कुछ तो साथ में चलते रहे, कुछ रास्ते से वापस लौट गए, और कुछ रास्ते में ढह गए। प्रश्न पांचवा, किसकी सफलता सुनिश्चित होती है? उत्तर है, कवि की इस कविता की भावना के अनुरूप केवल उसी की सफलता सुनिश्चित होती है जो निरंतर अपने रास्ते पर चलता रहता है। तो ये था ICSE कोर्स की पुस्तक साहित्य सागर में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता चलना हमारा काम है कि कविता के भावार्थ, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों वाला एपिसोड। आपसे हमारा आग्रह है, कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।